हेलो व्हाट्स एवरीबॉडी, ले चाय पी लो बेटा। हेलो व्हाट्स एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट। यस भाई, माइनक्राफ्ट ही खेलने वाले यार, और ये हमारा सेकंड एपिसोड है नॉर्मल माइनक्राफ्ट सीरीज का। सो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और गेम के अंदर चलते। चीन टपाक डम डम। तो भाई, हम गेम के अंदर आ चुके और ये रहा हमारा वर्ल्ड और ये रहा वो हाउस जो हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था। और ये काफी बेसिक सा हाउस था, मतलब हमको डे वन सर्वाइव करने के लिए ठीक था। तो हमने डे वन सर्वाइव करने के लिए हाउस बनाया था और ये बहुत ही बेसिक हाउस है। इसको हाउस नहीं बोल सकते, बस एक लकड़ी का छत है यार, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमें इसको थोड़ा सा एडवांस बनाना है, ठीक है भाई, क्योंकि भाई अब हमारे पास एक और डे मिला है। तो भाई, हम चीजों को माइन करेंगे और हम अपने हाउस को थोड़ा बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है भाई। तो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते और निकल पड़ते यार आप चीजें माइन करने के लिए, ठीक है। तो भाई, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़े वुड्स कट कर लेते फट से, ये ट्रीज को यहाँ से हटा दे ताकि अपना एरिया बढ़ जाएगा यार। इसको कट करने में यार थोड़ा टाइम लग रहा है। अपने पास अगर स्टोन पिकैक्स होता ना तो काम बन जाता, मतलब ये थोड़ी चीजें फास्ट हो जाती, ठीक है। तो भाई, अपन क्या करते हैं, इसको अभी इतना कट कर लिए ना, तो अपन क्राफ्टिंग टेबल में ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेते और थोड़े स्टिक्स बना लेते, ठीक है। ये हो गया अपना काम, ठीक है। तो भाई, थोड़ा एक अपने को पिकैक्स चाहिए भाई। पिकैक्स भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने को क्या है, स्टोन्स वगैरह माइन करना है ना भाई, तो पिकैक्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो उसके लिए हमें पिकैक्स की ज़रूरत है। तो भाई, पिकैक्स अपन ने ले लिया है। सो भाई, लेट्स गो भाई। अंधेरा होने लगा यार, ज़्यादा दूर नहीं जाते भाई, थोड़े पास में ही रहते भाई। यहाँ पे बहुत गहरी खाई है यार, मुझे क्या लगता है हम दूर जा पाएंगे कि नहीं, ठीक है, देखते। पास में थोड़ा स्टोन वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है। ऐसे अंधेरा तो हो गया है यार, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हम, ठीक है, घर से। ये तो हमें, हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो वो दो तीन स्टोन मिल गए ना भाई अपने पास, मस्त मज़ा आ रहा है भाई। लौट चलते यार, अंधेरा हो गया यार, नहीं तो भाई हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो भाई, लौट चलते भाई अपने घर को, ठीक है, और सुबह आके वापस काम करेंगे हम। भाई, एनर्जी काफ़ी लो है यार, कहीं तेरे ऊपर अटैक ना हो जाए भाई। जल्दी से घर पे पहुंच जा भाई, बहुत लो चल रहा है तू। ओ भाई साहब, कोई अटैक ना कर दे, जल्दी से पहुंच जा भाई। भाई आके भाई तुम्हारा भाई सो गया है और सुबह होने का इंतज़ार करेगा। हमारे घर के आसपास भाई जॉम्बीज की आवाज़ आ रही थी, आसपास ही होंगे साले। ये देखो, एक कमीना जल रहा है, उसको मारते भाई। वाह, तो भाई रॉटन फिश खा लेते, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। और कुछ तो है नहीं फिलहाल अपने पास, इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई, ठीक है। सो भाई, सैपलिंग्स और भाई काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई है, ठीक है। सो यार, कोल मिल जाता ना तो हम फर्नेस बना के भाई कुछ कुक करते, ठीक है, और पका हुआ खाना खाते, ठीक है। मेरी चाय फिनिश कर लेते भाई। सो भाई, कहाँ पे थे हम, माइन कहाँ पे कर रहे थे? या अपने पास स्टोन हो गया ना यार, स्टोन पिकैक्स बनाते भाई, थोड़ा फास्ट हो गए चीज़ें, ठीक है। सो स्टोन है भाई अपने पास, एक काम करते, एक स्टोन पिकैक्स बन जाएगा अपने पास, मस्त। ओ यार, लकड़ी गलत जगह प्लेस करता है कमीना, आइडिया नहीं आई। इसको हटाते, फेंक देते भाई, स्टोन पिकैक्स और एक सॉर्ड तो है अपने पास, कोई दिक्कत वाली भाई। एक एक्स चाहिए, स्टोन एक्स चाहिए, ठीक है भाई। स्टोन का एक एक्स भी बन गया, इस तरह इसको फेंकते, ठीक है। सो भाई, अपना एक काम हो चुका है और अपन जाते भाई कुछ माइनिंग शाइनिंग करने, ठीक है। सो लेट्स गो भाई, कुक करने के लिए अपने पास कोल वगैरह नहीं है, तो भाई रॉ मटन ही खाना पड़ेगा ना भाई। सो भाई, एनर्जी वापस है, तुम्हारे भाई का हार्ट चमकने लगा, मतलब क्या एनर्जी आ गई, अब अपन फुल ताकत से काम करेंगे, ठीक है भाई। तो यार, कोल ऐसे ऊपर ऊपर दिख जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ऊपर नहीं दिख रहा यार। ओ भाई, हाँ है ज़ॉम्बी, मुझे लगता है यहाँ पे कोई केव है यार इसके अंदर, ठीक है, देखते करते हैं माइंड। केव रहेगी तो मज़ा आ जाएगा ना भाई, मुझे लग तो रहा है यार ऊपर केव है। सो भाई, हमने काफ़ी सारा स्टोन इकट्ठा कर लिया यार, कितने स्टोन हो गए यार अपने पास भाई, 674 स्टोन हो गए। भाई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुझे डरा रही है आवाज़, पर मैं नहीं डरने वाला, मुझे कोई भी नहीं डरा सकता भाई, तुम्हारा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है भाई। तो भाई, इतने से स्टोन से अपना हाउस अपग्रेड हो सकता है। तो भाई, हम अपना हाउस अपग्रेड करने चलते। अरे यार, यहाँ भी स्टोन काफ़ी सारा था, मैं इतना दूर फालतू में गया यार, ठीक है। सो
ठीक है भाई, एक डोर बनाते, डोर सबसे इम्पोर्टेंट है यार, ठीक है, डोर बन जाए सबसे पहले तो काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक डोर रेडी हो गया भाई, मस्त तीन डोर हो गए यार, इतना नहीं चाहिए था। और एक चेस्ट चाहिए भाई, चेस्ट क्राफ्ट कर लेते भाई, चीज़ें तो भी तो रखनी है यार हमें, तो ये हमने चेस्ट भी क्राफ्ट कर लिया है, कम से कम दो चेस्ट चाहिए यार, ठीक है, स्पेस ज़्यादा चाहिए ना भाई। सो हमारे पास चेस्ट भी आ चुकी है भाई, और हम क्या करते भाई, सबसे पहले क्या करते, इस वुड को यहाँ से तोड़ते, ठीक है, और चीज़ें थोड़ा बेहतरीन करेंगे, इसको क्लियर कर लेते। सो भाई हमें अपने घर का हाउस स्टोन का रखना है ना यार, सो बेसमेंट को भी क्लियर करते यार थोड़ा, और यहाँ से भी सारे वुड्स को हटाते, और या परफेक्ट, ठीक है। सो भाई जहाँ जहाँ पे हमें नीचे एकदम बेस में हमें स्टोन रखना है, ठीक है, स्टोन कहाँ गया भाई, यस ये रहा। सो ऐसे अपना हाउस थोड़ा सही दिखेगा, परफेक्ट, और थोड़ा एक्सटेंड कर लेते यार, सही रहेगा। यहाँ पे हमने ओक डोर लगा दिया यार, काफ़ी सही लग रहा है ना यार, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट प्लेस कर लेते भाई, चेस्ट कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे हम अपना चेस्ट रख देते भाई, वे डर्ट वगैरह क्या रख रहे थे भी, चेस्ट के अंदर क्या रखे यार, क्या, ठीक है, पुरानी चीज़ें। हमारे पास डायमंड सॉर्ड नहीं है भाई, ये डायमंड सॉर्ड हमारी नहीं है, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी भाई, ये डायमंड सॉर्ड मेरी नहीं है, ठीक है, उसको हम नहीं यूज़ करने वाले, क्योंकि वो गलती से हम क्रिएटिव मोड में चले गए थे, तो डायमंड सॉर्ड की हमें ज़रूरत थी तो हमने लिया था, ठीक है। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक सर्वाइवल मोड एकदम स्ट्रिक्ट मोड में खेल रहे हैं, ठीक है भाई। सो हम भाई कोई चीटिंग नहीं करने वाले, तो सॉर्ड को मैंने रख दिया, ठीक है भाई, उसको मैं नहीं यूज़ करने वाला, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है भाई, पूरा सर्वाइवल रूल फॉलो करने वाले हैं हम। डायमंड शॉट तभी यूज़ करेंगे जब हमें एकदम रियल डायमंड्स मिलेंगे, ठीक है भाई, ओके, फेयर इनफ, गुड। अभी क्या करते भाई, अंधेरा हो रखा है, अंधेरा तो हो गया है, इसको पैक कर दे भाई तू, अंधेरा तो नहीं हुआ है अभी, तो टाइम है, तो एक काम करते हैं अपन, कोल मिल जाए, कोल मिल जाता है यार तो मज़ा आ जाता है यार, कहाँ पे मिलेगा कोल हमें, ओ भाई सॉर्ड नहीं यार अपने पास, अगर कोई मॉन्स्टर मिल गया ना रास्ते में तो हमें हमारा खेल खलास हो जाएगा भाई, बिना सॉर्ड के तो कैसे किया जा सकता है, अंधेरा भी हो रहा है, इट्स रियली डेंजरस टू गो आउट विदाउट सॉर्ड डूड, इट्स रियली रियली डेंजरस। Let's first craft a sword. Yeah. Is that what you want? Yeah. So हमारे पास भाई एक sword हो चुकी है, stone sword, ठीक है, और ये काफ़ी सही लग रहा है, और हम ये day, मतलब आज का दिन बीतने के बाद भाई हम क्या करेंगे, next day हम क्या करेंगे भाई, एक विलेज फाइंड करने जाएंगे, विलेज ढूंढने, ठीक है, वहाँ पे हमारे हमें काफ़ी सारी लूट मिल सकती है। सो आसपास भाई कोई विलेज तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, सो भाई वो लावा उधर कुछ हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे हम जाके चेक करें क्या, ठीक है, ये नाइट हम स्पेंड कर लेते, वापस से जाके चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, इसको कट कर लेते, वाओ दैट्स ग्रेट, को भी हटा भाई, ये डर्ट है, ये यहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस वगैरह है यार, ये नहीं सही लग रहा है मुझे, मेरे घर के सामने भाई कूड़ा कबाड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। वाओ अभी कोई मॉब नज़र आ रहा है क्या आपको, मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, देखते हैं यार, टेरिस पे आके देख चेक करते हैं हम, ठीक है, शायद यहाँ से हमें कोई मॉब नज़र आ जाए, कोई दिख रहा है क्या, नहीं भाई कोई नहीं दिख रहा है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, अरे है क्या किसी के अंदर दम, तो मुझसे फाइट ले भाई, अंधेरा हो चुका है यार,
ठीक है हम वापस से सो जाते हैं यार, मुझे तो नींद आ रही है, दरवाज़ा बंद कर ले। सो भाई मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो भाई वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल राइट भाई, गुड मॉर्निंग भाई, मज़ा आ गया, हमने एक और नाइट सर्वाइव कर लिया सक्सेसफुली, और अब हमें भाई अब हमें कोल चाहिए, कि कोल के बिना भाई मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है कोल तो चाहिए डूड, सो कोल की तलाश में हम किधर निकलते भाई, चलो ढूंढने चलते कोल। कोल कहाँ मिलेगा हमें, इन सामने वाली पहाड़ियों में मिल सकता है कोल, तो हम वहाँ पे जाके चेक करें कि हमें यहाँ पे कोल मिल सकता है क्या भाई। यस देख भाई ऊपर देख ले यार, कहीं पे दिख गया तो मज़ा आ जाएगा। लोग दिख रहा है क्या, डिड यू सी एनीवेयर, डिड यू स्पॉट इट द कोल? नो ड्यूड। ओ भाई यहाँ इस केव में कुछ भाई बड़ा खजाना मिल सकता है हमें। सो भाई ओ थोड़ा संभाल के भाई, ओ भाई सामने तो कोल और आयरन दोनों है यार, ऊपर है बहुत 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 हाइट है उसकी। अरे भाई नीचे भी है, मैंने बोला था ना केव में भाई काफ़ी सारा माल रहता है और हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। सो भाई हमें कोल मिल गया यार, मज़ा आ गया भाई, वाओ फेयर इनफ मस्त भाई। यहाँ पे भाई मॉब्स हो सकते, निकल भाई देख देख आ गया ना इससे फाइट। ओ भाई भाई तू थोड़ा उजाले में फिर मैं तेरे को बताता हूँ ठीक है, कम आउट बेबी आ जा। ये तो बेबी है इतना ग्रो नहीं है, वाह इसको हमने मार दिया है भाई। उजाला कहाँ से आ रहा है, अच्छा वहाँ से लाइट आ रही है ठीक है कोई बात नहीं। माइनक्राफ्ट भाई काफ़ी माइनक्राफ्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है भाई, ग्राफिक्स वगैरह भाई एक नेक्स्ट लेवल है इसकी। वाओ कोल भाई हमें मिल रहा है मस्त, अरे यार थोड़ा सा ही मिला, अरे करेक्ट भाई टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेते यार ठीक है। को टॉर्चेस कैसे क्राफ्ट करते हैं, ऐसे रखने का और एक नीचे स्टिक, जो चार हमारे पास टॉर्चेस हो गई है यार मस्त मज़े वाली। सो हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे तो हमारे पास उजाला हो जाएगा यार, लाइट्स यू नो थोड़ी लाइट दिखेगी तो अच्छा रहेगा ना भाई। या ग्रेट, और कहाँ पे है भाई, ओ भाई शिट एक यहाँ पे भी टॉर्च लगा दे, ग्रेट भाई ग्रेट गॉड तुसी ग्रेट हो भाई, सही है यहाँ सब तूने टॉर्च लगा दिया ना, अब तेरे को दिखेगा कि है क्या यहाँ पे एक्चुअली ठीक है। सो भाई माइनिंग स्टार्ट करते और हमें यहाँ पे कोल मिल रहा था ना, देखो एक और कमीना आ गया मुझसे पंगा लेने, पर ये अकेला है इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा भाग ऐसे। ओ भाई खतरनाक, उसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। अरे ये अटैक कर रहा क्या भाई, मैं बोला था ना इसको मैं ऐसे ही मार दूंगा। तुम्हारे भाई से वो पंगा, तुम्हारे भाई से जीतेगा क्या, वो फाइट कर सकता क्या, उसकी कैपेसिटी है क्या भाई हैं। तब तक हम माइनिंग करते भाई फटाफट से, और हमें भाई लगता है यहाँ पे भारी कोल डिपॉजिट मिलने वाला है। और भाई ये रहा मस्त, और नहीं है क्या, ठीक है यहाँ से निकलते भाई, और हमें यार आयरन मिल जाता यार तो हमारे पास आयरन की सॉर्ड हो जाती, उसका भी जुगाड़ हो जाता। सो फटाफट से भाई हम अपनी टॉर्चेस यहाँ से कलेक्ट कर लेते और भाई आयरन के आयरन ढूंढते ठीक है। सो ये टॉर्चेस हमारी है भाई, हम यहाँ पे क्यों रखें इसको, हम वापस से कलेक्ट करके अपने घर पे लेके जाएंगे, हम वहाँ पे रखेंगे ठीक है भाई। ग्रेट यहाँ पे देखो वापस से अंधेरा हो गया भाई, ये भाई मेरे को ये क्या कहती है, कॉपर ओर है ना यहाँ पे, कॉपर ओर की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है मुझे यार, आयरन की ज़रूरत है ठीक है। सो आयरन तो हमें मिला नहीं है। सो भाई ओ भाई क्रीपर, वाह इससे फाइट लेने में बहुत मज़ा आता है भाई, ओ फटना नहीं चाहिए। ओ भाई इसने मार दिया यार, शिट यार बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, हमारा सारा सामान यार वहीं पर छूट गया यार, इट्स वेरी सैड। सो हमें भाई वापस से जाना है, उसको कलेक्ट करना है,
अगर मैंने सेटिंग वो नहीं रखी होगी ना भाई, तो वापस सब वेस्ट हो जाएगा। जितना हमने मेहनत किया ना, सबका पूरा का पूरा वेस्ट हो गया यार, बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। मुझे लगा मैं क्रीपर को मार के गन पाउडर ले लूँगा, पर दिक्कत हो गई यार, उस क्रीपर वो साला पहले ही फट गया। शिट, ऐसा नहीं होना था यार, शायद मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्रीपर से फाइट करने का, थोड़ी सी मिस्टेक। ओ भाई लग गई यार, तेरी हेल्थ तो ऐसी जा रही है। ठीक है, कहाँ पे वो फटा था कमीना। ओ भाई थैंकफुली अपना सारा सामान हमें मिल चुका है, और भाई कुछ वेस्ट नहीं जाने वाला भाई, दोबारा से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो थैंकफुली भाई, थैंक्स क्रीपर भाई सामान वापस करने के लिए। ठीक है, थैंक यू गॉड। सो भाई यहाँ पे भी कोल डिपॉजिट है हमारे पास, तो हम इसको नेक्स्ट डे माइन करेंगे। सो गाइस, हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।